हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। आपका आपकी फिल्म आ रही है लैला मजनू, शूटिंग हो चुकी है, कब तक रिलीज होगी, दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तमाम दर्शकों को जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा प्यार। और मैं दुआ करता हूँ कि सावन का जो पावन महीना है इसमें उनको ढेर सारी खुशियाँ भोले बाबा दें और वो अपने परिवार, घर, दोस्त यार सबके साथ संपन्न रहें, स्वस्थ रहें जी। मेरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है लैला मजनू, जो बहुत खूबसूरत सी फिल्म है, बहुत बड़े कैनवास पे शूट हुई है जैसे मैं हमेशा करता हूँ। और ये फिल्म जो है लखनऊ में पिक्चराइज की गई है, वहाँ का जो नवाबी ठाट होता है, नवाबों की जो इंटरनल लाइफ उनकी कैसे होती है उसके ऊपर फिल्म है, जिसके अंदर मजनू के किरदार में प्रदीप पांडे चिंटू और लैला के किरदार में अक्षरा सिंह हैं और सोनालिका प्रसाद हैं। टीनू वर्मा हमारे बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, वन में और ससुराल में उन्होंने मेन नेगेटिव यानी खलनायक की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में भी वो हैं। और जो मेरी दूसरी फिल्म है उसका नाम है पांचाली, जिसमें मैंने तीन स्पेशल लड़कों को हमने ब्रेक दिया है और इनफैक्ट चार लड़कों को ब्रेक कह सकते हैं और पांचवा जो है मनोज टाइगर हैं। रानी चैटर्जी अभी जो गई हैं खतरों के खिलाड़ी में, वो पांचाली की भूमिका में हैं और बहुत अच्छा है कि एक प्रॉस्पेरिटी के साथ कि ये दोनों फिल्में अभी मेरी कंप्लीट हुई हैं और दोनों जल्द से जल्द दर्शकों के बीच आएंगी, इनके ट्रेलर और इनके गाने भी रिलीज होने वाले हैं। बात करें लैला मजनू की जी, काफ़ी सारे लैला मजनू बनाया जाए, एक्चुअली ये जो मेन सोच है वो मेरी नहीं है, ये कास्टिंग की सोच है महमूद आलम जो हमारे फिल्म के निर्देशक हैं, मैंने फिल्म को प्रोड्यूस किया है, मैं निर्माता हूँ इन फिल्मों का। लैला मजनू के निर्देशक हैं हमारे महमूद आलम और वहीं पांचाली के निर्देशक हैं देव पांडे, दोनों बहुत सुलझे हुए हैं। और महमूद जो है वो पिछले 3 साल से कॉन्सेप्ट उन्होंने लिखी थी, उन्होंने लिखवाई थी राइटर से और ख़ुद भी जुड़े रहे हैं उसके साथ, वो मेरे पास आते थे चिंटू को स्पेशली कि उनको हीरो लेकर फिल्म बनानी है लैला मजनू, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये पिक्चर करनी है, लेकिन जिन प्रोड्यूसरों को लेकर आते थे वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि दे आर नॉट कैपेबल टू मेक द फिल्म, कि एक लैला मजनू टाइटल है उसके लिए एक प्रॉपर कैनवास, एक बड़ी फिल्म बननी चाहिए, तो मुझे लगा कि वाई नॉट मैं, चूँकि प्रोडक्शन मुझे स्टार्ट करना था, बाहर के डायरेक्टरों को भी अभी हमने अपनी फिल्मों में हायर करना शुरू किया है, उसी कड़ी में हमने महमूद से कहा कि भाई ये फिल्म अगर मैं खुद प्रोड्यूस कर दूं और आप डायरेक्ट कर दें तो वो तो उछल पड़े कि भैया आप इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो उस कड़ी में हमने उस फिल्म को प्रोड्यूस की है। तो सारा जो कास्टिंग का सोच है, हाँ उसके बाद फिर मुझे लगा कि चूँकि ये फिल्म का कैनवास बड़ा होना चाहिए, फिर हमने अक्षरा सिंह को कास्ट किया, वन ऑफ द वर्सटाइल एक्ट्रेस, और उसके बाद जो है टीनू वर्मा जी जो इतने बड़े ये हैं, सोनालिका जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी न्यू टैलेंट है वो, और ब्रजेश त्रिपाठी, मनोज टाइगर, बाकी जो उसमें रेस्ट कास्ट हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम सबने किया हुआ है। चिंटू और अक्षरा की जोड़ी कह सकते हैं पहली बार एक साथ लीड नजर आने वाली है, इससे पहले दोनों ने साथ में फिल्म किया था बट जी दोनों की जोड़ी नहीं थी, आपको लगता है कि ये जोड़ी कमाल करेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने सौगंध गंगा मैया की एक फिल्म हमने बनाई थी जिसमें पवन सिंह और क्या नाम है काव्या और मनोज पांडे और स्मृति सिन्हा और चिंटू और अक्षरा, ये लोगों ने काम किया था, लेकिन उस टाइम चिंटू बहुत छोटे थे, मतलब एकदम वो चाइल्ड उसे निकल ही रहे थे और अक्षरा का भी उसी मतलब वो भी छोटी थी, तो वो पेयर उस टाइम नहीं कह सकते, हालाँ दोनों के हीरो हीरोइन ही दोनों थे पिक्चर के अंदर, लेकिन एक जो स्टैब्लिश पेयर जिसको कहा जाए, जिसको देख के ऑडियंस को गुदगुदी हो और एक युवा अवस्था प्रॉपर हो उसके अंदर अगर आपकी फिल्म बनती है, वो अभी जो लैला मजनू में दोनों आए हैं, मैंने अभी फिल्म देखी है, रफ कट जो हुआ है बहुत खूबसूरत है और दोनों बहुत सारे सीक्वेंसेस में बहुत अच्छे लगे हैं, तो मुझे लगता है कि दर्शक लाइक करेंगे, चूँकि चिंटू का अपना एक स्टाइल है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारे युवा आज के दर्शक हैं यूपी बिहार के, वो लड़के वो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, दे आर वेरी एक्टिव, पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और बाकायदा सूटेड बूटेड होते हैं, तो उनको जो रिप्रेजेंट करता है उनका हीरो प्रदीप जो है चिंटू हैं वो, और उनके लिए गुदगुदाने वाली अगर कोई लड़की है तो वो है अक्षरा, और अक्षरा ने वो वाकई बहुत अच्छा काम किया है और इस कड़ी में जो है वो फिल्म का जो ओवरऑल मटेरियलाइज हुआ है
वो बहुत अच्छी तरह से हुआ, उसमें गाने वाने बहुत अच्छे हैं, और जब दर्शक अभी ट्रेलर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, तो बहुत मजा आएगा लोगों को और फिल्म देखने में बहुत मजा आने वाला है। अक्षय सिंह की बात कर लूं मैं, जब वो लैला का उनको किरदार दिया गया है, एक अदाय होती है लैला की, तो कैसे किस तरह से उनको ढाला गया है उस पोशाक में? एक तो मुस्लिम लड़की, नवाब की लड़की दिखाई गई है, और एक सीन था मुझे याद है कि वो जहाँ गदर की शूटिंग हुई थी, हिंदी फिल्म जो गदर बनी थी, उस लोकेशन को हमने हायर किया था, बहुत बड़ा लोकेशन है, उसके टेरिस पर एक सीक्वेंस करना था जहाँ वो बोलती है कि मेरे लिए भी कोई बना होगा, अपने दुपट्टे को लहराती हवा में, तो उसकी सहेली जो शमा है बोलती है, कह रहे ये क्या किया तुम्हारा दुपट्टा तो गया, तो बोलती है कि हमने भी भेज दिया है पैगाम उसे बुलाने के लिए, खुदा ने ज़रूर बनाया होगा किसी न किसी को मुझे अपनाने के लिए। तो वो जो शॉट था, मैं स्पेशली खड़ा था, तो मैंने कहा यार इसको, ये जो प्रॉपर खनक लैला का जैसे रहता है, रंजीता ने इतना खूबसूरती के साथ इतने अच्छे से उन्होंने निभाया था, जो हिंदी लैला मजनू थी, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म है, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ एक फ़र्क है कि ये ज़रूर डिटरमाइंड रखना लोगों को कि ये जो फिल्म है लैला मजनू, ये पीरियड ड्रामा नहीं है, ये आज की जनरेशन का ड्रामा है, आज की तारीख के लैला मजनू है। हाउ दे बिहेव लाइक लैला मजनू, वो अपने आप को, क्योंकि हर रोमांटिक पेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं खुद को सोनी महिवाल और लैला मजनू, और अगर आप एग्जांपल सेट करते हैं तो वो उसी तरह के होते हैं, और ये आज के लैला मजनू जो इस फिल्म में बनकर आए हैं वो बहुत कमाल का जोड़ी है। कब तक फिल्म दर्शकों के सामने आएगी? फिल्म बहुत जल्दी आ जाएगी, अभी फिल्म का मेन लास्ट सारा काम चल रहा है, और बहुत जल्दी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल चिंटू का कांवर गीत बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, थोड़ा सा देर हो गया हम लोगों को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन जो गाना है पांडे जी का, बेटा जल चढ़ाने आया है, वो बहुत धूम लोगों को मचा रहा है और लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सबका। श्याम देहाती ने इस गीत को लिखा है और जो है संगीत श्याम आज़ाद ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो छोटे बाबा ने सबर कराएगा, और जो वेब पर रिलीज हुआ है वो छोटे बाबा का संगीत है, और विक्ट्री रीजनल वीनस की एक जो नई दूसरी कंपनी है उसके थ्रू चिंटू का ए जीजा जी हमको भी देवघर जाना है वो, और देसी धुंस पर हमारे जो है यही सबर कराएगा और लवर संग जाऊंगा जल ढारे, ये सब गाने बहुत अच्छे हैं, और ये गाने जब लोग सुनेंगे और लोग देख रहे हैं, कमेंट्स लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है चिंटू को, मतलब कांवर गीत एक ही गाना उनका कांवर का आया था, जो गाना था पांडे जी का बेटा हूँ, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पांडे जी का बेटा जल चढ़ाने आया है, जो गीत आया है वो दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने भोजप्रिय परिवार का कि जो लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत क्लीन बहुत अच्छा गाना है। उसमें एक गाना जो वेब से रिलीज हुआ है सबर कराएगा, और जो पर्सनली उसका वीडियो मैंने देखा, जिन लड़कों ने वीडियो डायरेक्ट किया है, सुशांत नाम है उनका, पटना के हैं हम लोग, और नेपाल में इन गानों की शूटिंग हुई है, वो इतना सूदिंग इतना खूबसूरत गाना है कि मुझे भी लगा यार ये जो एक अलग का जो एक ट्रैक है एल्बम वाला, वो अगर हम भोजपुरी के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चराइजेशन अगर करते हैं, फिल्म और सीरियल के बीच की जो बात है म्यूज़िक फॉर्म को जो लेकर आते हैं, जो एल्बम्स होते हैं, अगर उसको बेहतर तरीके से किया जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा लगता है। उस कड़ी में जितने गाने भी चिंटू के रिलीज हुए हैं, जैसे टिकट देवघर के बहुत अच्छा गाना है जो देसी धुंस पे रिलीज हुआ है, पांडे जी का बेटा जल चढ़ाने आया हूँ वो देसी धुंस पे हुआ है, ए जीजा जी हमको भी देवघर जाना है वो विक्ट्री रीजनल पर रिलीज हुआ, आप लोग इन गानों को देखिए सुनिए, और ये गाने वाकई बहुत अच्छे हैं, बाबा की भक्ति में जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं अपने ढंग से चिंटू ने दिखाया है और कोशिश किया है, और वो कितना आपके दिल तक उतर पाता है ये तो आपके देखने के बाद, या जो लोग देख रहे हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो बस ये सिलसिला चलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, और जिस ग्रेस के साथ आप लोगों ने इसको अपनाया है, भोजपुरी को अपनाया है, और उसी ग्रेस के साथ हमको लगता है कि इन कलाकारों को काम करना चाहिए और अपनी इंडस्ट्री अपनी भाषा को और आगे लेकर आना चाहिए। बात करें पांचाली की, शूटिंग हो गया है, फिल्म कब तक दर्शकों के लिए जाएगी? पांचाली वन ऑफ द एक रियल ट्रूथ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो जो कॉन्सेप्ट है उसका ट्रेलर आएगा तो बहुतों को मतलब चुभने वाला भी है
क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन हम लोग तैयार हों उस चीज़ के लिए। और वो कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, जो स्क्रिप्ट है वो उन लड़कों उन परिवार के करीब है जिनको कहीं ना कहीं लोग मतलब किस तरह से उनका 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 फाइनेंशियली उनका किस तरह का ये करते हैं, अटैक करते हैं, तो और लोगों के ड्रीम को लाने के लिए किस तरह से बातें लोग बहुत करते हैं, लेकिन जब उसको सामने लाना होता है तो कोई खड़ा नहीं होता है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं। सिनेमा बनाना, किसी को लाना, उनके लिए काम करना, उनके ऊपर पैसे खर्चना, ये बहुत एक अलग विधा है। और बात करने वाले ये सब नहीं करते हैं, हम चूंकि काम में बिलीव करते हैं, हम लोग हमारी तरह तमाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो जिनको लगता है, और अब इस कड़ी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं हमारे स्टार्स जो एक्टर हैं, उनके अलावा नए नए टैलेंट्स को लेकर आना और वो उनको सफल करना, ये कोशिश भी है। और एक नई जनरेशन हमेशा आती रही है, क्योंकि कब तक एक चीज़ें रहता है और एक एक पानी की लहर की तरह हर चीज़ चलता रहता है, और नया टैलेंट आता ही है और कहीं ना कहीं हावी हो जाता है, तो वो आ रहा है और एक बहुत बड़ा लॉट अभी फिर से आ रहा है भोजपुरी के अंदर। जी, आपकी जो एक्ट्रेस है जिन पे पांचाली आपने फिल्माया है, जी रानी चटर्जी, इन दिनों एक बहुत बड़े शो खतरों के खिलाड़ी में पहुंची है, क्या शुभकामनाएं देंगे आप? ये बहुत प्राउड की बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि भोजपुरी की पहली ऐसी अदाकारा, या यूँ कह सकते हैं कि पहला ऐसा कोई एक्टर जो खतरों के खिलाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुँच पाया है, मतलब रानी पहुँच पाई हैं। और वो मुझे मालूम है कि रानी एक जुझारू एक्ट्रेस हैं, हमने उनके साथ 18 फिल्में बनाई हैं, सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। मुझे प्राउड है रानी जीत के आना शो को, और तुम सिर्फ अकेले नहीं गई हो, तुम्हारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की पूरी भावनाएं, पूरी उमंग, और कहीं ना कहीं हम लोगों का एक एक सोच है कि तुम हमेशा विनर रही हो फिल्मों के अंदर, तो तुम इस इंडस्ट्री की जीत को लेकर आना है। और पूरी कोशिश, मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छी फाइटर हैं, एक्शन उन्होंने बहुत अच्छा किया है। हाँ, वहाँ बहुत सारे रियल फैक्टर्स होते हैं, रियलिटी के साथ चलना, यहाँ थोड़ा फिक्शन होता है, बट शी इज़ कैपेबल फॉर फाइट, वो कर ले जाएंगी। और इंडस्ट्री की सबकी जो है वो ख्वाहिश और सबके अभिमान को साथ लिए रानी वहाँ पर हैं, और मुझे लग रहा है कि सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं रानी के वहाँ जाने के बाद। अपनी लैला मजनू और पांचाली के लिए क्या कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को यह कहूँगा कि जो प्यार आप हमेशा देते आए हैं मेरी फिल्मों को, वो बहुत बहुत ज़्यादा दीजिए, और आपकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब तक दर्शक नहीं है कुछ नहीं है। हाँ, ये भी है कि कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट अच्छा हमेशा बनाते रहें, आप लोगों ने लाइक किया है, अपनी भाषा अपनी फिल्मों को आगे लेकर आइए। जो फिल्में अच्छी हैं, जिनकी फिल्में अच्छी हैं, उन फिल्मों को ज़रूर देखिए, और यही कि अपनी भाषा को सच में आगे लाना है, और इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा सेलेक्टिव होना चाहिए लोगों को, थोड़े स्टैंडर्डाइज मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ों को आप लोगों को भी पकड़ना चाहिए। अब किसी इन्फ्लुएंसेस में आने की ज़रूरत नहीं है, अब वो टाइम नहीं रहा है कि हम सड़क पर खड़े होकर दर्शक बुलाएं, अब आप लोगों को भी अपने सिनेमा को मल्टीप्लेक्स में लाइए, और जैसे बाकी सिनेमा जो हैं, बाकी फिल्में जो हैं, दूसरी भाषाओं की फिल्में हैं, वो एक स्टैंडर्ड उनका ये हो गया है। दर्शक हमारे अब ऐसे नहीं रह गए हैं, दर्शक हो सकता है कोई थोड़ा माली हालत में कमज़ोर हो, फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो, लेकिन सबका लिविंग स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उनके घर के अंदर जो बच्चा है, जो नया जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं उसके थॉट, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी बातें अब उमंग दूसरे रूप में लेकर आई हैं, और सिनेमा को भी अब टर्न होना चाहिए उसी तरफ, और सिनेमा टर्न हो रहा है, तो दर्शकों की सोच को भी, आप जब अपने सोच को थोड़ा सा टर्न अप करेंगे तो आपकी फिल्में, आपकी भाषा और आगे बढ़ेगी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.